महाराष्ट्र चंद्रपुर के पोदिसा ग्राम पंचायत के चुनाव में देवदास सरपंच के रूप में विजय हासिल की। नव भारत समाचार से बजरंग कोलरिया। 2021 में जो हमारा महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत का इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन में हम दोनों भी, मेरी मिसेज और मैं, जीत के आए। यह हमारा 20 साल हो गया, हमारे गांव वाले लोग मुझे चुन के दे रहे हैं। चुन के देने का बहुत है कि गांव वाले लोग हमको, अभी नहीं 15 साल से, ये 20 साल हो गया हमको चुन के दे रहे, और आने वाले दिन में भी हम गांव के लोगों का अच्छा करेंगे और तेलंगाना में और महाराष्ट्र में हमारा अच्छा रिलेशन है। तेलंगाना में सिरपुर कागज नगर के MLA पोनप्पा साहब, उनके वजह से हम बहुत सपोर्ट कर रहे हैं तेलंगाना के। जो कोई आदमी को महाराष्ट्र में कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई आदमी का गाड़ी पंचर हो गया, कोई आदमी भूखा है, कोई आदमी का कुछ भी हो गया, तो पोनप्पा साहब मेरे को फ़ोन करता है, मैं उतना सपोर्ट करता हूँ। और मेरे महाराष्ट्र से कोई भी लोग उधर गया, तेलंगाना में कोई भी प्रॉब्लम आ गया, तो मैं पोनप्पा साहब के फ़ोन करके मैं हमारे महाराष्ट्र के लोगों का भी काम कर रहा हूँ। आने वाले दिन में मेरे गांव के लिए और तेलंगाना के लोगों के लिए और मेरे महाराष्ट्र के लोगों के लिए, मैं बॉर्डर पे रहता हूँ, बॉर्डर पे रहने के बाद में मेरा फर्ज है कि तेलंगाना का और महाराष्ट्र का दोनों भी मैं संभाल रहा हूँ, और आगे वाले दिन में भी मैं अच्छा संभालूंगा। कोरोना के टाइम पे हमारे महाराष्ट्र के लेबर लोग मिर्ची तोड़ने के लिए गए थे, उस टाइम पे हमारे लेबर लोग, 50,000 लेबर लोग उधर लटक गए। उस टाइम पे मैं कोनप्पा साहब को फ़ोन किया कि साहब, हमारे महाराष्ट्र के लेबर उधर लटक गए हैं, तो उसको खाने पीने का जरा बहुत प्रॉब्लम है, कोरोना का बहुत गलत पब्लिक में सोच है, तो तुम आप मदद करो। कोनप्पा साहब बोले, जितने जितने आदमी गए उसका कुछ नंबर देते होंगे, तो अच्छी बात है, मेरे को नंबर दो। बोला जितने को सारे मैं नंबर दिया, वो नंबर पर फ़ोन करके KCR साहब को फ़ोन करके उसको चावल, पैसा और मेडिकल का सब किया, तेलंगाना के महाराष्ट्र के बॉर्डर तक छोड़ा। आने के बाद में मैं मेरे महाराष्ट्र के चंद्रपुर गढ़चिरौली के जो लेबर थे, उसको मैंने 50,000 लोगों को खाना खिलाया, पानी दिया, आरोग्य विभाग का काम किया, और उसको कोई भी तकलीफ नहीं दिया। एक आदमी कोई मीडिया के सामने जाके गलत बात नहीं किया, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जो हुआ मैं बहुत अच्छा काम किया, और आने वाले दिन में भगवान मेरे को अच्छी बुद्धि दो, मैं अच्छा काम करूँगा। और इसी